आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुंदरनगर की कदमड़ी हमें उस समय अफरातफरी मच गई जब शादी की पार्टी में एक महिला कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गई, बाजा बंद करा दिया, दुल्हन के साथ मारपीट की। दुल्हन भी पार्टी छोड़कर सुंदरनगर थाने पहुंच गई। पुलिस अफसर से कहा, साहब मुझे मेरी सौतन से बचाइए, वह मुझे मार डालेगी। पुलिस ने पूजा कर मकार को थाना में बैठाया। फिर उसने सौतन सुनीता लोहार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की। मामले में विक्टिम दुल्हन पूजा लोहार के मुताबिक उनके पति बीजेपी नेता सुबोध लोहार ने पहले उन्हें प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी से इनकार किया। उन्होंने इसकी शिकायत महिला थाना में की। सुबोध लोहार ने पहले दबाव बनाने के लिए कोर्ट में झूठा शिकायत की, लेकिन बाद में समझौता होने पर 26 जनवरी 2016 को सुबोध ने जादूगोड़ा रंकीणी मंदिर में शादी की। शादी के बाद उसकी पहली पत्नी सुनीता लोहार और घर वाले मारपीट करने लगे। उनकी प्रताड़ना से तंग आकर वे फिर इंसाफ के लिए पुलिस के पास गई। तब सुबोध लोहार ने अलग से उसके लिए घर बनाया।